सर कितने का है? 250, कितने का है? 250. हाँ एवरीवन, माय सेल्फ सानम फोटोग्राफर. फिर आज हम लोग चल रहे हैं देहरादून के घंटाघर. सो राइट नाउ आई एम इन देहरादून. गाइज, आज आपको देहरादून के घंटाघर का अनएक्सपेक्टेड रस दिखाने वाला हूँ. बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए. फिलहाल अभी मैं घंटाघर से 3 किलोमीटर दूर हूँ. 3 किलोमीटर घर से मैं 2 किलोमीटर रनिंग करके आ चुका हूँ और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है. मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है. रियली आई लव माई सेल्फ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल घंटाघर पहुँचते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं अनएक्सपेक्टेड रस. गाइज साथ में बने रहिए. और वन मोर थिंग गाइज, यार डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब. अभी फिलहाल मैं 3 किलोमीटर रनिंग करूँगा, फिर पहुँचता हूँ घंटाघर, आप लोगों को दिखाता हूँ. आज है 22-24 को है दिवाली. अवेल आज साथ ही साथ धनतेरस भी है गाइज. सो खरीदारी में लोग इतना जुटे हुए हैं कि अब बात ही क्या है. वेल मैं उनको कैप्चर करने में जुटूंगा और आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाने वाला हूँ घंटाघर का. और साथ ही साथ घंटाघर और मेरे बीच का जो डिस्टेंस है, उस बीच जो भी लोग हैं या फिर जो भी पब्लिक है, रस है, आई विल कैप्चर एवरीथिंग. सो लेट मी रन गाइज, घंटाघर पहुँच के कंटिन्यू करते हैं. ओके इंजॉय कीजिए. और देख रहे हैं मेरे पास अभी लॉलीपॉप है, मैं कम्प्लीटली पूरा फुल इंजॉय कर रहा हूँ गाइज. आइए मेरे साथ. नॉट अबाउट मी गाइज, लेट मी रन एज मच एज आई कैन. वेल आप लोग धनतेरस की खरीदारी देख सकते हैं. अभी फिलहाल मैं रनिंग कर रहा हूँ और बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइज. पूरा वॉच करो और पूरा मजा लो गाइज. तो साथ में बने रहिए, काफ़ी मजा आने वाला है आप लोगों को. यू नो गाइज, आई लव रनिंग यार. ट्रैफिक दे रहे हैं. कंप्लीट मजा आने वाला आप लोगों को. राइट नाउ आई एम प्लेइंग विद ट्रैफिक. ये बीच में टेंपल पड़ता है. सो चल गाइस, आप लोग देख सकते हैं मैं कितना खुश हूँ. खुश इसलिए हूँ, व्हेन आई रन आई फील हैप्पी. बस बहुत ही करीब है हम लोग घंटाघर के. सो आई थिंक मुझे 10 मिनट और रनिंग करनी होगी, फिर मैं फाइनली घंटाघर पहुँच जाऊँगा. Oh my God, interesting. बहुत ही करीब होगा इस घंटा के, बहुत ही करीब. दोस्तों सच में यार कम्प्लीटली मज़ा आ रहा है भाई. इतना ज़्यादा कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता. सच में वन मोर थिंग गाइस, व्हेन आई मेक स्वेटिंग आई फील वेरी लाइट. आई मीन वेरी लाइट एंड वेरी हैप्पी. ओके घंटाघर यहाँ से आई थिंक 500 मीटर दूर है. हैप्पी सिंस गाइस, चलते हैं. आई मीन पूरा आनंद लेते हैं. वेल फाइनली गाइस, यार घंटाघर आ गया आपका दोस्त रनिंग करके. और आप देख सकते हैं कितना स्वेटिंग हुआ है, काफ़ी मज़ा आ रहा है भाई. पूरा भीग चुका हूँ. राइट नाउ आई एम सोक्ड इन स्वैग. वेल गाइस, आज मुझे लगता है कि अनएक्सपेक्टेड व्लॉग होने वाला है ये, क्योंकि यहाँ पे घंटाघर में पब्लिक भी बहुत है और भाई लाइट का जो सजावट है ना, अविश्वसनीय है गाइस, अविश्वसनीय. वेल सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ घंटाघर चौक. ओके आइए मैजिक लेते हैं. आप लोग देख सकते हैं सामने वो रहा घंटाघर, दिखाई दे रहा है आपका टॉप. आई मीन घंटाघर का टॉप दिखाई दे रहा है आप लोगों को. और करीब चलते हैं, आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे कितना
ट्रैफिक कितना ज्यादा, और अभी मार्केट में चलते हैं फिर देखते हैं घंटाघर का मैजिक। गाइस बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है, बट गाइस मार्केट चमक रही है यार। पुल है सो जो भी कलर है काफी पीसफुल है। अगर मैं कैमरा अपना राइट साइड टर्न करूं तो आप देख पाएंगे ट्रैफिक तो काफी ज्यादा है, इसकी सिक्योरिटी तो है। अगर राइट साइड टर्न करूं तो आप देख पा रहे हैं ये है मार्केट और काफी भीड़ है। अभी इस मार्केट में हम एंट्री करने वाले हैं जस्ट 1 से 2 मिनट के बाद, बट उससे पहले एक बार फिर से हम घंटाघर का जो भी चौक है उसे देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा है, आइए चलते हैं मार्केट में। ये रही घंटाघर की अनएक्सपेक्टेड मार्केट अकॉर्डिंग मी। सो आज है धनतेरस और देख सकते हैं कि लोग कितना ज्यादा खरीदारी में जुटे हुए हैं। सो आपका भाई आप लोगों के लिए कैप्चर कर रहा है, जस्ट लेट मी मेक इंटरेस्टिंग मोमेंट फॉर यू गाइस। अब बनाते हैं इसका एक टाइम लैप्स। आई थिंक गाइस ये है घंटाघर का गुदड़ी बाजार, जहाँ पे आपको सस्ते कपड़े मिल सकते हैं घंटाघर के अंदर। ये काफी इंटरेस्टिंग है। सो आइए और भी कुछ देखते हैं भाई यहाँ पे। अभी मैं आपको सुनाने वाला हूँ 100-200 ऐसे बोल रहा था, ये काफी अच्छा था भाई। एक बार पूछते हैं रेट कितना है। 250 आप सुन सकते हैं कि 250 का है। सो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आई थिंक आपको सस्ते से सस्ते और महंगे से महंगे कपड़े मिल जाएंगे और क्वालिटी भी काफी अच्छी हुई। इसे बोलते हैं गुदड़ी बाजार, जहाँ पे जो भी कपड़े आते हैं यहाँ पे यूज होके आते हैं, बट उनका जो कंडीशन रहता है काफी अच्छा रहता है। सो डोंट वरी, आप आए सस्ते से सस्ते कम पैसों में कपड़े खरीद सकते हैं। आइए कुछ और एक्सप्लोर करते हैं। ये आप देख सकते हैं दिवाली के लिए भैया जो है दीप वगैरह सेल कर रहे हैं। आई थिंक ये क्या बोलते हैं बस पीतल का है। सो अगर आप यहाँ पे आते हैं और घंटा घर के देख सकते हैं कि दादी जी हैं, एक छोटी सी मंदिर है जहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है और दादी जी बुला रही है। क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं ये काफी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो दादी जी मंदिर के पास बैठी थी, उन्होंने बोला कि बेटा टीका लगाओ प्रसाद ले जाओ। वेल मैंने उनका पैर छुआ, मुझे काफी अच्छा लगा। तो अभी दिखाता हूँ, यहाँ पे एक सामने दिख रहा है मस्जिद है, आइए आप लोगों को विजिट कराता हूँ। भाई यार आप बहुत मिस करेंगे सच में। आज जो घंटाघर का व्यू है ना भाई, सच में बहुत ही अट्रैक्टिव है गाइस। तो आप लोगों को कम्प्लीटली इस वीडियो को देखना मत भूलना यार, इस वीडियो को पूरा कम्प्लीट वॉच करना यार, प्लीज गाइस प्लीज। तो आप सामने देख सकते हैं मस्जिद है और यहाँ पे ढोल नगाड़े भी भाई लोग पीट रहे हैं, ये काफी अच्छा है, काफी अच्छा है। गाइस घंटाघर मार्केट के बीच में ही आपको मैं दिखाता हूँ ये है मस्जिद, जो कि काफी अपीलिंग है, बहुत ही प्यारा है जो भी इसका डिजाइन वगैरह है। और ये आई थिंक बहुत ही पुराना होगा, सच में बहुत प्यारा है गाइस। सो आइए इस तरफ बढ़ते हैं, पब्लिक इस तरफ अधिक दिख रही है तो हमें इस तरफ ही टारगेट करना चाहिए। साथ हो रहे बाबू, तो ये रहा आपका पल्टन बाजार। सो गाइस यहाँ पे एक्चुअली पल्टन बाजार को पल्टन बाजार क्यों बोलते हैं आप लोगों को मैं बताता हूँ। जब पब्लिक काफ़ी भीड़ में आती है, जब लोग झुंड में आते हैं और काफ़ी ज़्यादा पब्लिक रहती है तो उसे बोलते हैं पल्टन। इसीलिए आई थिंक इस जगह पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा लगती है, इसलिए बोलते हैं लोग पल्टन बाजार।
फाइनली गाइज अपना घंटा घर और पल्टन बाजार मैंने कम्प्लीटली कैप्चर कर लिया। काफी अच्छा लगा मुझे घूम के टहल के। वेल अब बारी है आप लोगों की, वॉच करें कमेंट करें कैसा लगा आपको वीडियो, क्या रस था या नहीं था। सच में काफी अच्छी मार्केट थी गाइज, काफी अच्छी मार्केट है गाइज। वेल यार प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। या सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। घर यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है और आप देख सकते हैं कि अभी मैं रनिंग कर रहा हूँ और रनिंग करके मुझे घर पहुँचना है, फिर वीडियो को एडिट करना है, फिर यूट्यूब पे अपलोड करना है। वेल ऐसा अभी तो मैंने आप लोगों को बोल दिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दौड़ के पहुँचता हूँ घर, उसके बाद होगा डिनर, फिर एडिटिंग, फिर आप लोग यूट्यूब पे देख पाएंगे ये वीडियो। सो गाइस घर पहुंच रहे हैं, ओके बाय। वेल गाइस अभी मैं आई थिंक घर पहुंचने में 10 से 15 मिनट लगेंगे और इस बीच एक सर हैं, मिल गए हैं भाई, वो 42 किलोमीटर डेली दौड़ते हैं भाई। आई उनको, उनसे आपको मिलवाता हूँ। वेल सर क्या कहना चाहते हैं आप? रनिंग इज लाइफ, रनिंग इज लाइफ इनका कहना है। बट मैं तो रनिंग कर रहा था, सडन पीछे से आ गए, मैं तो सरप्राइज हो गया, बोले कीप गोइंग कीप गोइंग, से समथिंग सर। हेलो यू आर रिकॉर्डिंग? या आई एम रिकॉर्डिंग। ये एक्चुअली ये कह रहा था कि आप पर डे कितना दौड़ते हैं? गाइस आई थिंक इनकी जो एज होगी सर कितना है? 35 आई फील लाइक। बट डेली दौड़ते हैं भाई 10 से 12 किलोमीटर डेली। सो आई वुड सजेस्ट आप लोग भी सुबह जल्दी उठें और खुद को फिट रखने के लिए रनिंग या योगा कुछ भी करें। ओके गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग। बस घर पहुंचने ही वाला हूँ गाइज। फाइनली गाइज आपका दोस्त घंटा घर से रनिंग करके वापस आ चुका है। अब दिखाता हूँ कि जहाँ मैं अभी रहता हूँ मेरे में, वह अभी देख रहे हैं कि बच्चे पटाखा फोड़ रहे हैं। और एक हमारे दोस्त हैं जिन्होंने अपने गेट पे लाइट लगा रखी है, वो ये साबित करना चाहते हैं कि नहीं हम पड़ोसी नहीं है। क्या बोल सकते हैं कि दिखा रहे हैं कि नहीं हम एक साथ नहीं रहते, अलग तरीके से रहते हैं। आइए कैमरा इनकी तरफ करते हैं। दिक्कत है परसों, बोले परसों, इन्हें यही नहीं पता कि दिवाली कब है, पटाखे फोड़ रहे हो तुम लोग। सो ये देख रहे हैं लोग अपने अपने घरों को सजा के रखे हैं, काफी अच्छा लग रहा है। बट अभी जहाँ जिस कमरे में मैं रहता हूँ भाई ये अंधेरा है। अभी अंदर चलते हैं, देखते हैं भैया कहाँ हैं जो साथ में रहते हैं। मैं कमरा आ गए हैं वापस रनिंग करके, पूरा पूरा थक चुके हैं। देखते हैं खाना क्या बनाया, अभी खाना खाते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए ऊपर चलता हूँ, दिखाता हूँ कि हर जगह कितना लाइट वाइट लगा है, पूरा सजावट भी है। इस मजा आ रहा है ऊपर से व्यू देख के भाई, हर जगह लाइट देख रहे हैं, चमकता सितारा है भाई। सच में इस मजा आ गया यार आप लोगों को दिखा, आप देख सकते हैं हर जगह, मतलब लोग अंदर कितनी ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है अपने जीवन को लेकर। फाइनली मैं घर पे आ गया और आप लोगों को दिखा दिया आप कितना लाइट है, ये काफी प्यारा है। अब देखते हैं भाई चने के छोले, चने की सब्जी और चावल बनाओ खाते हैं। पूरा पैर रखा चुका है, आज मैंने 15 किलोमीटर और 5 किलोमीटर तक देख सकते हैं आप। सबसे पहले तो 5 किलोमीटर चली करके अचानक प्लान बना के दुर्गा माता जी, आज घर में पूजा हुई है बहुत दिनों के बाद और भैया रेडी कर रहे हैं खाना।
अच्छे किचन में लगे हुए हैं भाई। ये बन रहा है छोले और चावल भाई। 15 किलोमीटर रनिंग की हालत खराब है भाई, आज खूब ढेर सारा खाने वाले। देखते हैं कितना टाइम लगता है, वेट करते हैं तब तक। ये रहा भैया अपना भोजन, चने आई मीन घुले हुए चने, छोले चावल। तो फाइनली अपना डिनर डन हो गया है। ये रहा अपना हेल्दी पानी। ये अब करेंगे एडिटिंग, मिलते हैं यूट्यूब पे, बाय।